एवरीवन, दिस इज अपूर्वा। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप लोग मुझे फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वेलकम टू माय चैनल। मैं अब बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, स्पिरिचुअलिटी, ऑकल्ट के बारे में। अगर आप लोग इन टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग मुझे फॉलो या सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं न्यू मून के बारे में। न्यू मून अगेन आ चुका है इस मंथ का, एंड ये जो न्यू मून है ये अगेन बहुत ही पावरफुल है, बट ये वाला थोड़ा स्पेशल है। इसके पीछे रीज़न सबसे बड़ा ये है कि नवरात्रि स्टार्ट होने वाले हैं। इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न तो नवरात्रि है, ठीक है। नवरात्रि में इवन कोई भी काम किया जाए, काफ़ी लोग अपने रिचुअल्स करते हैं, कुछ चीज़ें नई बाय करते हैं, या फिर कुछ चीज़ों को पहले से प्लान करके चलते हैं, मैं नवरात्रि के टाइम पर ये करना है। नवरात्रि के डेज जो होते हैं वो बहुत ही ऑस्पिशियस होते हैं रिचुअल्स करने के लिए, कोई नई चीज़ घर में लेके आने के लिए। तो इस टाइम का जो न्यू मून है ये कनेक्ट हो रहा है नवरात्रि के टाइम से, एंड इट्स वेरी पावरफुल अगेन। तो आप इस टाइम पे एक तो बहुत ही अमेजिंग रिचुअल्स कर सकते हैं, एंड यहाँ पे सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है कि हम इस टाइम पे क्या करें, ठीक है। मैं इस वीडियो में कुछ रिचुअल्स शेयर करने जा रही हूँ आप लोगों से, जो कि आपको हेल्प करेंगे। अदरवाइज अगर आपको ये रिचुअल समझ नहीं आते हैं, एंड अगर आप थोड़ा वैदिक रेमेडीज की साइड नहीं है, आप नॉर्मल लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक्स भी फॉलो कर सकते हैं, वो भी आपकी काम करेगी। बिकॉज लॉ ऑफ अट्रैक्शन टेक्निक में भी हम इंटेंशन डालते हैं, वो भी एज अ स्पेल वर्क काम करता है, राइट। एंड मुझे एक क्वेश्चन बहुत आ रहा था सुबह से कि मैं बहुत अनइजी फील कर रहा हूँ, मेरे मूड स्विंग्स हो रहे हैं। तो इस टाइम की जो एनर्जीज हैं थोड़ी सी लो चल रही हैं, न्यू मून के बाद चीजें अपना बैलेंस होने लगेंगी, ठीक है। अभी जो एनर्जीज है थोड़ी सी डाउन है, मूड स्विंग्स हो सकते हैं, एंगर इशूज हो सकते हैं, कुछ काम करने का दिल नहीं कर रहा है, ऐसा भी हो सकता है, इट्स टोटली फाइन। अभी करंटली एनवायरमेंट की एनर्जीज हैं। अगर आप बहुत सेंसिटिव एनर्जीज को लेके, तो आप इस चीज को अच्छे लेवल पे फील कर सकते हैं, काफी स्ट्रांगली आप इस चीज को फील कर सकते हैं। घबराने की बात नहीं है, मेडिटेशन करना है एंड खुद को ग्राउंडेड रखें। अब ग्राउंडेड मेडिटेशन कर सकते हैं या फिर ओम चैंटिंग आप इस टाइम पे कर सकते हैं, आपको हेल्प करेगा आपकी वाइब्रेशंस को इंक्रीज करने में, ठीक है। तो चलिए बात कर लेते हैं रिचुअल्स के बारे में। एंड एक और चीज, अगर आपको ये रिचुअल समझ नहीं आते हैं या फिर आप कनेक्ट नहीं कर पाते इन रिचुअल से, इट्स टोटली फाइन। आप जिस भी रिचुअल से कनेक्ट करते हो आप वो भी कर सकते हो, बिकॉज आपका कनेक्शन उस चीज से होना भी जरूरी है, ठीक है। यू आर जस्ट डूइंग इट लाइक ऐसे ही, तो वो चीज नहीं है। जैसे आपको इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे करना चाहिए, देन गो फॉर इट, ठीक है। अभी सबसे इंपॉर्टेंट मैं आज जो शेयर करने वाली हूँ वो एक 21 डेज का रिचुअल है, जो कि आपने न्यू मून से करना स्टार्ट कर देना है, एंड ऑब्वियसली बीच में पड़ेंगे नवरात्रि, है ना। ये बहुत ही अच्छा टाइम है अपनी किसी भी विश को यूनिवर्स तक पहुंचाने का। जो भी आप चीज़ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप इस टाइम पे उसकी इंटेंशन यूनिवर्स में डाल सकते हैं। आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने सही अच्छी सी 21 बे लीफ लेनी है, ठीक है, जिसको हम तेज पत्ता भी बोलते हैं, आपको ईजिली ग्रॉसरी स्टोर पर मिल जाएगी, ठीक है। आपने या तो ग्रीन पेन लेना है अब, या तो रेड या फिर ब्लू, इसके अलावा आपने ब्लैक की तरफ इन सब में नहीं जाना है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, जस्ट गो विद ब्लू कलर, ठीक है। अगर आप अपनी विश को जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हो, यूज रेड कलर। रेड जो कलर होता है वो मैनिफेस्टेशन का भी होता है, और चीज़ें जल्दी से मैनिफेस्ट होती हैं, ठीक है। आपने ये लेना है। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, जो भी आपकी स्पेसिफिक विश है, इंटेंशन है, जो आप यूनिवर्स से मांगना चाहते हैं, आपने उसको एफर्मेशन में कन्वर्ट करना है। सपोज जैसे कि वो चीज़ हो चुकी है, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, जिन भगवान को आप मानते हैं, थैंक यू सो मच कृष्णा, मेरा ये काम हो चुका है। आपने ऐसे एफर्मेशन बनानी है कि थैंक यू सो मच यूनिवर्स, मुझे मेरी ड्रीम कार मिल चुकी है, या फिर मैं इतना अर्न करता हूँ या करती हूँ। जो भी आपकी इंटेंशन है आपने उसकी एफर्मेशन बनानी है, एंड आपने उस एफर्मेशन को इस कोड के साथ, ये जो कोड मैं स्क्रीन पे दिखा रही हूँ, इस कोड के साथ आपने इस एफर्मेशन को उस बेलीफ पे लिखना है। अब आपके पास 21 बेलीफ है, 21 बेलीफ पे आपने 1 by 1 करके इस एफर्मेशन को और इस कोड को आपने लिखना है, ठीक है। जब भी रेडी हो जाएगा आपका सारा का सारा, अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन बेलीव्स को अपने सामने रखना है। आप प्लेट यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपकी आपका ऑल्टर हो सकता है, आपके सामने प्लेट हो सकती है। व्हाट यू हैव टू डू, आपने एक छोटा सा मेडिटेशन करना है। अगर आप चाहें तो इसको बाहर खुले में भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात होगी, डायरेक्टली मून के अंडर। अदरवाइज आप इसे अपने रूम में भी कर सकते हैं, ठीक है। यू जस्ट हैव टू विजुलाइज कि आप एक खुले पार्क में हैं या फिर खुली जगह में हैं, ऊपर मून है, ठीक है। आपने मून को विजुलाइज करना है। अभी न्यू मून है, आई नो, अभी न्यू मून है आई नो, वो सबकी टेंशन आपने नहीं लेनी है। आपने सिंपली नॉर्मली मून को विजुलाइज करना है। आपने देखना है जो मून है वो धीरे 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 बड़ा होता जा रहा है, ठीक है। जो मून है वो आपके क्लोज आ रहा है, ठीक है। अब मून में से एक बहुत ही तेज वाइट लाइट निकल रही है, एंड आपकी जो बेलीफ है उसे ब्लेस कर रही है, आपकी मैनिफेस्टेशन को स्ट्रांग बना रही है, एंड आपकी जो बेलीफ है वो एनर्जाइज हो रही है।
कुछ देर तक आपने ऐसा विजुलाइज करना है, फिर जो चीज़ आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैंने कहा ड्रीम कार है, तो आपको विजुलाइज करना है कि आप उस कार को ड्राइव कर रहे हैं, उसके स्टेयरिंग को देखें, अपने माइंड में अपने आप को बैठा हुआ उस कार में देखें, ड्राइव करता हुआ देखें, आप रोड पर चला रहे हैं एंड आपके आसपास जो भी आपके फ्रेंड्स हैं, फैमिली हैं, वो लोग उस कार में हैं, आप जितना स्पेसिफिक होके इस पर मेडिटेशन कर सकते हैं करें, ठीक है। अब आपने क्या करना है, वापस से देखना है कि जो मून है वो धीरे धीरे वापस जा रहा है, छोटा हो रहा है, एंड आपने अपनी मून की एनर्जी को थैंक यू बोलना है एंड मेडिटेशन से बाहर आ जाना है, ठीक है। आपने ये छोटा सा रिचुअल करना है, ठीक। अब नेक्स्ट आपने क्या करना है, आपने इन बे लीफ को एनर्जाइज करना है फुल मून में, रात को आप इसे रख दीजिए एंड सुबह होने से पहले आप इसे उठा लीजिए, ठीक है। अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट डे से आपने एक बे लीफ लेनी है, उसे होल्ड करना है, यूनिवर्स को थैंक यू बोलना है एंड इसे बर्न कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली है, आपका टाइम, अगर आप रात के 9 बजे अपनी जो बेलीफ है वो बर्न करते हैं, तो अगले 21 डेज तक आपने 9 बजे ही इसे बर्न करना है। एक तो ये रूल है, ठीक है। दूसरा रूल ये है कि जब आप सोने जाएंगे तो जितनी बेलीफ है आपके पास, सपोज करें आपने अगले दिन नेक्स्ट डे, बिकॉज एक रात तो ये अंडर फुल मून रहेगा, राइट, उसके बाद रात को आपने एक बर्न करनी है, फिर आप सोने जाएंगे, ठीक है। जब आप सोएंगे आप इसे पेपर में रख लीजिए, पॉली बैग में, जो भी आपके पास चीज है उसमें आपने इसको रखना है ना, आपने अपने पिलो के आसपास रख लेना है, चाहे तो आप उस पर सो सकते हैं या फिर अपने बेड के या फिर पिलो के अपने आसपास इसको रखना है, ठीक है। इसे सबकॉन्शियसली भी वो आपकी एनर्जी पे इम्पैक्ट डाले, जल्दी मैनिफेस्टेशन के लिए बेसिकली ये चीज है। एंड जब आप सुबह सोकर उठेंगे आप इसको अपने ऑल्टर पे रख सकते हैं, मंदिर में रख सकते हैं, या फिर अपने बैग में रख सकते हैं, जहां भी आप कंफर्टेबल हो आपने रख सकते हैं, बट मेक श्योर रात को सोने से पहले आपने इसको अपने पिलो के नीचे रख के सोना है, ठीक है। एंड उसके बाद फिर से रात के 9 बजेंगे आपने एक बे लीफ बर्न करनी है, अपनी विश को, अपने इंटेंशन को माइंड में रख के थैंक यू बोलना है यूनिवर्स को एंड दैट इज इट, फिर लेट गो कर देना है। ऐसे आपने इस साइकिल को 21 डेज तक करना है एंड बेसिकली इस रिचुअल में पड़ेगा नवरात्रि, तो बहुत ही ऑस्पिशियस टाइम है अपनी विश को बताने का यूनिवर्स को, ठीक है। आप ये चीज कर सकते हो, ये बहुत ही अमेजिंग रिचुअल है, ये 21 डेज रिचुअल है, बट ये बहुत जल्दी काम करता है बिकॉज इसमें हर्ब मैजिक भी इंक्लूड है, मून एनर्जीज भी इंक्लूड है, इट्स नॉट जस्ट अ लॉ ऑफ अट्रैक्शन थिंग, इसमें बहुत सी चीजें इंक्लूडेड है एंड इस टाइम पे नवरात्रि की एनर्जी भी इंक्लूडेड है, तो ये रिचुअल जो है ये बहुत ही पावरफुल है। एंड अगर आपका ये सवाल है कि हम पीरियड्स में कर सकते हैं, तो यस आप इसे पीरियड्स में कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ सकता है, डिस्कार्ड कैसे करें, तो उसकी एशेज जो होंगी आपने सीधा हवा में ब्लो कर देनी है, उसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब एक नेक्स्ट टिप या फिर कह सकते हैं टेक्निक मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आप कॉफ़ी लवर हैं तो ये टेक्निक जो है ये आपके लिए है। आपने क्या करना है, आपने अपने कॉफ़ी का जार लेना है, बट मेक श्योर वो नया जार हो, वो ऐसे ही घर में यूज़ किया हुआ ना हो, इट शुड बी क्लीन, ठीक है, या फिर आप नया भी परचेज कर सकते हैं। उसको आपने होल्ड करना है एंड जो भी आपकी इंटेंशन है, सपोज कर आप स्पेसिफिक विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, आपने क्या करना है, आपने उसको होल्ड करके अपनी विश को विजुलाइज करना है, देन अगेन विजुलाइज करें मून को, उसमें से व्हाइट लाइट निकल के आ रही है एंड इट्स ब्लेसिंग दैट कॉफी। इसके बाद इसको मून लाइट के अंडर रख दीजिए एंड सुबह होने से पहले से रिमूव कर लीजिए। बेसिकली कॉफी जो होती है इट्स अगेन अ पार्ट ऑफ हर्ब मैजिक। अगर आप कोई भी चीज़ को बहुत जल्दी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, रियलिटी में लेके आना चाहते हैं, या फिर नॉर्मली आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो कर रहे हैं एंड साथ में उसके प्रोसेस को बूस्ट करना चाहते हैं, तो आप कॉफी मैजिक का यूज कर सकते हैं। तो आपने डेली यू नो विद इंटेंशन इस कॉफी को पीना शुरू कर देना है। आप इसे फुल मून पे भी एनर्जाइज कर सकते हैं, आप इसे हर न्यू एंड फुल मून पे एनर्जाइज कर सकते हैं, बट मेक श्योर कोई और इस कॉफी को ना पिए बिकॉज ये आपकी इंटेंशन के साथ अलाइन की गई, या फिर कह सकते हैं आपकी जो विश की एनर्जी है वो इस कॉफी में है, और उसको यूज ना करें, ठीक है। आप इस चीज का ध्यान रखें। ये दो रिचुअल्स जो है ये बहुत ही यूनिक से हैं, बट बहुत अमेजिंग है, बहुत पावरफुल है। एंड अगर आप यू नो अच्छी स्ट्रॉन्ग इंटेंशन के साथ इन चीजों को करते हो, हर एक चीज पॉसिबल है। पेशेंस की यहाँ पे जरूरत होती है, मानती हूँ, बट चीजें डेफिनेटली होती है। एंड कई बार यूनिवर्स जो है वो आपको टेस्ट भी कर रहा होता है, चीजें आने वाली होती है बट यू नो आपको लगता है कि चीजें नहीं हो रही, क्यों हो रहा, डेस्परेट होते हैं। वही टाइम है खुद को शांत रखने का बिकॉज यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, ठीक है। तो आप इस चीज़ का ध्यान रखें एंड नेगेटिव एंड डेस्परेट नहीं होना है, अपनी चीज़ों पे फोकस करना है। एंड एक और चीज़, जैसे आप अंदर से होंगे वैसे ही आपकी आउटर रियलिटी भी होगी, तो अपने ऊपर काम करें, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो अब आज के इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ इतना ही, मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को ऐसी और भी वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आपसे अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, लव यू एंड बाय, थैंक यू सो मच।